सिल्वर मेडल की अपील खारिज होने के बाद विनेश फोगाट ने दी पहली प्रतिक्रिया। जी हां, विनेश फोगाट का रिएक्शन सामने आया जब उनका सिल्वर मेडल की अपील खारिज हो गई और उनका दर्द निकल गया। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की सिल्वर मेडल की याचिका कोर्ट ऑफ ऑप्टिशन फॉर स्पोर्ट्स द्वारा खारिज कर दी गई। इससे उनकी ओलंपिक मेडल की उम्मीद खत्म हो गई। एक बार फिर निराशा हाथ लगने के बाद 50 किलोग्राम कैटेगरी मुकाबला करने वाली विनेश फोगाट ने इंस्टाग्राम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और हाले दिल बयां किया। विनेश फोगाट का ओलंपिक पदक जीतने का सपना टूट गया है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS ने उन्हें संयुक्त रजत पदक देने की उनकी याचिका खारिज कर दी है। भारतीय ओलंपिक संघ अब दूसरे विकल्प तलाश रहा है, लेकिन CAS के फैसले ने इस मामले को एक तरह से खत्म कर दिया है। ये मामला पूरे देश और कुश्ती जगत के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। विनेश फोगाट ने CAS के फैसले के बाद पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। 29 साल की इस पहलवान ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट की है। इस तस्वीर में वो मैट पर लेटी हुई हैं और अपने सिर पर हाथ रखे हुए हैं। उन्होंने तस्वीर के साथ कोई कैप्शन नहीं दिया है। हालांकि तस्वीर देखकर ऐसा लग रहा है कि वो दर्द में है, लेकिन ये तस्वीर उनके पेरिस ओलंपिक अभियान के सबसे अच्छे दौर की है। ये तस्वीर महिलाओं के 50 किलोग्राम कुश्ती के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में जापान की डिफेंडिंग चैंपियन को पछाड़ने के बाद की है। ये सासाकी की पहली हार थी। उन्होंने अपने सीनियर करियर में इससे पहले कभी कोई अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला नहीं हारा था। इसके बाद विनेश ने क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की पूर्व विश्व चैंपियनशिप कांस्य पदक विजेता ओक्साना लिवाच और फिर सेमीफाइनल में क्यूबा की यूसनेलिस गुजमैन को हराया। इस जीत के साथ वो कुश्ती में ओलंपिक फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। हालांकि अगली सुबह विनेश को गोल्ड मेडल के मुकाबले से अयोग्य घोषित कर दिया गया। उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। पहले दिन विनेश के शानदार प्रदर्शन पर पूरी दुनिया ने उनकी तारीफ की थी, लेकिन अयोग्य घोषित किए जाने के बाद हर कोई हैरान रह गया था। विनेश ने CAS से मांग की थी कि उन्हें गोल्ड मेडल जीतने वाले पहलवान के साथ संयुक्त सिल्वर मेडल दिया जाए। विनेश से सेमीफाइनल में हारने वाली गुजमैन फाइनल में पहुंची थी। वहां उनका मुकाबला अमेरिका की सारा हिल्डेब्रांड से हुआ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। CAS ने कई बार अपना फैसला टाला, लेकिन आखिरकार उन्होंने विनेश की याचिका खारिज कर दी और IOA अध्यक्ष PT उषा ने इस फैसले पर हैरानी और निराशा भी व्यक्त की। इस सारी कहानी में ये बात साफ है कि विनेश अब कोई मेडल नहीं पा पाएंगी ओलंपिक से।